न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार आपको एलएसी के ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए किस तरीके से बर्फ लगातार पड़ रही है, लेकिन उनकी हिम्मत जो है बरकरार है, उनका उनकी गर्म जोशी बरकरार है। मूवमेंट देखिए किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तमाम टेंशन के बाद सीधे एलएसी से देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर चीन तवांग बहा कवरेज लगातार जारी है। चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको लगातार भारत चीन तवांग टेंशन की हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय सेना की ताकत, उनकी तैयारी कितनी पूरी है। देखिए हम कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में फिलहाल मौजूद हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 50,000 से ज़्यादा यहां पर फिलहाल डिप्लॉयमेंट कर दी गई है और मूवमेंट यहां पर भारतीय सेना की लगातार फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन मेरे ठीक पीछे आप ये ऊँची पहाड़ियाँ देख पा रहे होंगे, ये वही यांगसे पीक है जिस पर चीन लगातार कब्जा करने की कोशिश करता है। देखिए इसी यांगसे पीक पर यांकी पोस्ट, वो यांकी पोस्ट जहां पर जानकारी मिल पा रही है कि 30 से ज्यादा जवान वहां पर उस यांकी पोस्ट में रहते हैं, और उसके नीचे एक इलाका है जहां पर कुछ और जो सैनिक है वो रहते हैं, गश्त करते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं। लेकिन चीन की हिमाकत देखिए आप किस तरीके से इस यांकी पोस्ट पर लगातार, पिछले साल की बात करें या इस साल की बात करें, दुस्साहस चीन का ऐसा रहता है कि लगातार उसकी तरफ से इस यांकी पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से चीन को इस बार एक बार फिर से पटखनी मिली है। अब मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं कुछ आर्मी के ट्रक्स आपको नजर आएंगे, हालांकि देखिए दूर से हम आपको भारत की ताकत दिखा सकते हैं, हिंद फौज की ताकत दिखा सकते हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, हम नहीं चाहते हैं ऐसी कोई भी भारत की ताकत की तस्वीर दुश्मन देश तक पहुंचे, ताकि भारतीय फोर्स के लिए चैलेंजिंग हो, देश के लिए चैलेंजिंग हो। हालांकि देखिए भारत की ताकत किसी से छिपी नहीं है और ये ताकत हमने बार बार देखी है, और भारतीय सेना ने बिल्कुल, और देखिए जिस वक्त 9 दिसंबर को ये सब कुछ हुआ उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि चीन की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं और चीन की तरफ से कुछ खतरनाक हथियार जो है उनके एयरबेस पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस तरीके की जो खबरें हैं उनका खंडन यहां पर सेना की तरफ से साफ तौर पर किया गया है कि उनके बेस पर इस तरीके के कोई फाइटर जेट्स, ड्रोन या ऐसे कोई भी खतरनाक हथियार जो है वो पहुंचे नहीं है। देखिए ये खबरें लगातार मिल रही थी क्योंकि जो सिचुएशन यहाँ पर 9 दिसंबर के बाद नजर आ रही थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि टेंशन बढ़ रही है। हालांकि देखिए अभी टेंशन और तनाव का माहौल तो है ही, आसपास के इलाकों में, पूर्वोत्तर के तमाम इलाकों में इस तरीके का माहौल है, लेकिन आपको बता दें इस पूरी खबर का खंडन किया गया है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि आज हिंद फौज की ताकत देखिए जमीन पर तो दिख रही है, लेकिन आज एयरफोर्स की ताकत आसमान में भी दिखेगी जब एयरफोर्स के तमाम फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स इस आसमान में ईस्टर्न सेक्टर में गरजते हुए नजर आएंगे। एयरफोर्स की ताकत ये बताने के लिए काफी है कि देखिए हिंद फौज किस तरीके से तैयार है, कोई भी सिचुएशन हो उससे लड़ने के लिए तैयार है। ईस्टर्न सेक्टर के आसमान में आज भारत के तमाम फाइटर जेट्स जो हैं वो गरज रहे हैं और वॉर एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन फिलहाल जहां पर हम मौजूद हैं, क्योंकि हम तवांग से थोड़ी दूर फिलहाल वाई जंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी है और 9 दिसंबर के बाद जो टेंशन यहाँ पर बढ़ी है खासतौर पर 10 और 50 मीटर के रेडियस पर, हालांकि यहाँ पर उस वॉर एक्सरसाइज की थोड़ी तस्वीरें आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ही कुछ ऐसे एडवांस लैंडिंग एयर स्ट्रिप्स हैं जहाँ से
ये वॉर एक्सरसाइज शुरू होगी। इसके अलावा असम के तेजपुर में भी आपको इस तरीके की तस्वीरें, यानी कि एयरफोर्स की ताकत आसमान में नजर आएगी।